नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे योगासन में बताने वाला हूँ आपको, जो आपकी पेट की चर्बी को जो है कम करने में बहुत ही अच्छे मददगार होते हैं। इसके साथ ही ये जो है आपकी डाइजेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। आपकी जो पेट की साइड की जो मसल्स होती हैं उनको जो है स्ट्रेंथ देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप बेली फेट से जो है परेशान हैं तो उसके लिए जो है ये योगासन बहुत अच्छे कामगार होते हैं। मैं आपको टोटल 4 योगासन बताने वाला हूं, और पिछले कुछ टाइम से मैं भी इन योगासन को ट्राई कर रहा हूं। फ्रेंकली मैं एकदम बोलूं तो पहले मैं जो है योगासन नहीं करता था, लेकिन अभी जो ये लॉकडाउन हुआ है तो पिछले 2-3 महीनों से जो है, लॉकडाउन से पहले भी मैं जो योगासन 2 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था, और अभी मैं रेगुलरली जो है योगासन कर रहा हूँ, तो मुझे जो है अपनी बॉडी में एकदम अलग सा ही फील होने लगा है, एकदम अलग सी एनर्जी आने लगी है। तो मैंने सोचा कि ये जो है मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुल 4 योगासन मैं आपको बताने वाला हूँ, और पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है कि आपको कैसे करना है, मैंने खुद से इसको करके बताया है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको सबसे पहले श्वसन मुद्रा में सोना है, उसके बाद अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा हवा में उठाइए, जितना आप उठा सकते हैं, जितना आपके लिए कंफर्टेबल है, और इस स्थिति में आप जितना टाइम तक रह सकते हैं उतने टाइम तक रहिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाइए। इस अवस्था में आपको जब पैर ऊपर उठाते हैं तब आपने अपने सांस को भरना है, और जब आप पैर वापस नीचे करते हैं तो उस समय जो आपके श्वास को जो है छोड़ना है। ये पैर जो हैं आप जितनी ऊंचाई तक आप उठा सकते हैं उतनी ऊंचाई तक आप उठाइए। इससे क्या है, पेट की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जो है अकड़न वगैरह होती हैं तो वो सही हो जाती हैं, और पेट में एब्स वगैरह बनाने के लिए बहुत ही अच्छा जो है योगासन माना जाता है। अभी योगासन है दोस्तों, इसका नाम मुझे पता है, इसका नाम है कपालभाति। दोस्तों, कपालभाति को ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं पालथी मार के बैठ जाइए और अपने सांस को जो है छोड़िए जोर से और वापस अंदर लीजिए, इसी को कपालभाति बोला जाता है। पेट के लिए दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है। पेट की जितनी भी समस्याएं हैं आपके डाइजेशन से रिलेटेड, आपके हार्ट को भी अच्छा बनाता है, आपके सांस से रिलेटेड कुछ समस्या है उसमें भी जो है कपालभाति बहुत अच्छा काम करता है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको उसमें बैठ के आपके सांस को जो है जोर जोर से छोड़ना है और जोर जोर से आपको सांस जो है लेना है, इसी को कपालभाति कहा जाता है। ये दोस्तों आपकी पेट की चर्बी को भी गलाता है और आपके पेट को जो है शेप में लेके आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट योगासन की तरफ। आपको दोस्तों उल्टे जो है पेट के बल सो जाना है, अपने दोनों हाथों को जो है कंधे के समानांतर लेके आना है, अपनी कोहनियों को जो है थोड़ा मोड़ना है, और अपने पैरों को जो है पैरों के नीचे आप एक तकिया लगा दीजिए, और पैरों को तकिए के ऊपर रखकर अपने शरीर को बीच में से पूरा उठा लीजिए। आपके शरीर का पूरा भार जो है आपके दोनों हाथों की कोहनियों पे और आपके पैरों पे होना चाहिए। इस अवस्था में जो है आप जितना टाइम तक रह सकते हैं उतने टाइम तक आप इस अवस्था में रहिए, और जब आपको लगे आपको अभी वापस नीचे होना है तो आप अपने सांस को छोड़ सकते हैं और वापस जो है आप नीचे आ सकते हैं। ये मैं अभी नीचे आ रहा हूँ, और वापस आप अपने जो दोनों हाथों के सीधा आगे करके वही पहले वाली मुद्रा में आप जा सकते हैं। वापस इसी मुद्रा को जो है करते हुए अपने वापस पैरों को जो है पीछे रखा और कंधों को जो है कोहनी के समानांतर लिया और अपने शरीर को पूरा ऊपर से उठा दिया। इस अवस्था में आप जितने टाइम तक रह सकते हैं उतने टाइम तक रहिए, वापस अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाइए। तो आखिरी हमारा योगासन है, आपको श्वसन मुद्रा में सोना है, उसके बाद आपके जो दोनों हाथ है वो आपकी जांघों के पास रहेंगे। आप अपने जो सबसे पहले जो राइट है लेग है उसको एक साइड में दूसरे साइड में लेके जाइए, और जितना लंबा आप उसको खींच सकते हैं उतना लंबा आप उसको खींचिए। इस अवस्था में आप जितनी देर तक रह सकते हैं इस अवस्था में रहिए। श्वास को जो है आप अंदर लेके रखिए, और जैसे ही आपको लगे अभी वापस पैर को दलाना है तो आप अपने सांस को छोड़ सकते हैं। यही सेम अवस्था आपको अपने लेफ्ट लेग के साथ करनी है। आपको जितने लंबा उसको खींच सकते हैं उतना लंबा उसको खींचिए,
और वापस जो है आप सांस को जो है भर के रखिए, और जैसे आप पैर को वापस सीधा लेके आए तो सांस छोड़ दीजिए। ये प्राणायाम जो है दोस्तों आपकी पेट की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको मजबूत करता है, और पेट की जो साइड की जो फैट होती हैं उसको बर्न करता है। तो ये सब जो हैं योगासन हैं, आप अपने समय अनुसार इसको जितना लंबा करना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। शुरुआत में आप जो इसको 5 मिनट से स्टार्टिंग करें, उसके बाद जो है इसका टाइम जो है आप बढ़ा सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं। तो ये सब चारों योगासन हैं दोस्तों। अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे करते हैं, मतलब आप डेली जो है कम से कम आधा घंटा अगर आप निकाल लेते हैं अपने शेड्यूल में से, तो ये चारों योगासन जो है आप कर सकते हैं। 10-10 मिनट तक अगर करें तो भी 40 मिनट ही होते हैं, और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में जो है आप थोड़ा टाइम कम रख सकते हैं। स्टार्टिंग में जो है आप मतलब ये समझ लीजिए 5-5 मिनट रख लीजिए। आप 5-5 मिनट रखेंगे तो 20 मिनट होगा, मतलब कम से कम आपका 30 मिनट चाहिए आपको। तो इससे फ़ायदे की बात करें दोस्तों, तो डाइजेशन तो आपका इम्प्रूव होगा ही, साथ ही अगर आप एप्स बनाना चाहते हैं तो एप्स में भी जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इसलिए और योगासन भी देखा गया दोस्तों कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाके, उससे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट जो है आपको योगासन देता है एक्सरसाइज के मुकाबले। तो इसलिए योगासन दोस्तों ज़रूर करिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर आपको हमारे ऐसे ही योगा से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको कौन सा योगासन चाहिए उसका वीडियो बनाने की। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।